आज हम बनाने जा रहे हैं उड़द के दाल की तिलौरी। उड़द के दाल की तिलौरी बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो दाल उड़द की। इसे आप रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह इस तरह छन्नी में निकाल कर रख दीजिए ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। आधा किलो दाल है, तो इसमें हमें चाहिए 250 ग्राम सफ़ेद तिल और इतना बड़ा अदरक जो मैंने कद्दूकस करके रख लिया है, और चाहिए इसमें हमें लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच, और हमें चाहिए नमक। अब इसे बनाना कैसे है मैं आपको बतलाती हूँ। दाल को हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। इसमें हमें बहुत कम पानी डालना है, ज़्यादा पानी डालने से गीली हो जाएगी और तिलौरी सही नहीं बनेगी। मैंने इसको दाल को सारा मिक्सी के जार में डाल लिया है। देखा मैं इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। जार का ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पीस लेंगे। इसे हमें बिल्कुल चिकना पीसना है। देखिए मैंने दाल पीसी थी परंतु उतने पानी में नहीं पीस पा रही है और ये चिकनी भी नहीं हो रही, इसलिए मैं इसमें ये आधा कप और पानी डाल रही हूँ। कुल मिला के इसमें मैंने इस कप से 1.5 कप पानी डाला है। अब इसे हम फिर से चलाएंगे ताकि एकदम से देखिए अच्छी तरह चिकनी पिस गई है। अब इसे हम एक भगोने में निकाल लेंगे। दाल को देख रहे हैं आप, इसी तरह बिल्कुल ठीक रखना है, पतली नहीं करना है, नहीं तो हमारी तिलौरी जब इसको बनाएंगे तो ये फैल जाएगी। और उसके लिए आपको एक बड़ी प्लास्टिक की पन्नी चाहिए इस तरह की, जिसमें हम फैलाएंगे और उसको तेल लगा कर हम थोड़ा चिकना कर लेंगे। दाल को सारे मिक्सर से निकाल लिए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे तेल। नाप बिल्कुल आप याद रखिएगा, एक छोटा टुकड़ा कद्दूकस किया अदरक, लाल मिर्ची पाउडर 1 छोटा चम्मच और नमक। देखिए मैं 1.5 टीस्पून से कम नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिएगा। अब इसे हम चम्मच से अच्छे से मिलाएंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे चम्मच से चलाते हुए फेंट लेंगे, जिससे बिल्कुल फ्लफी बन जाती है। देखिए हमने दाल को अच्छी तरह 3 से 4 मिनट फेंट लिया है। अब हाथ में हम इसे इस तरह पानी में हाथ को डुबाएंगे और थोड़ा सा मिश्रण को लेंगे हाथ में और इसके छोटे छोटे हम बढ़िया जैसे तोड़ देंगे छोटे छोटे। जैसे ही हाथ में चिपकने लगे तब फिर उंगलियों को पानी में डिप कर ले जाएं। अभी मैंने इसे छाया में डाला है, जब ये पूरी बढ़िया पड़ जाएगी तो इसे हम धूप में सुखाएंगे। इसको सूखने में कम से कम 2 से 3 घंटे का 2 से 3 दिन का टाइम लगता है, तभी ये अच्छी तरह सूखती हैं। देख रहे हैं मेरे हाथ में चिपकने लगे, मैं इसको उंगलियों को इस तरह पानी में डिप कर रही हूँ और फिर उसके बाद डाल रही हूँ। इस तरह हम सभी बड़ियों को हाथ से ही तोड़ लेंगे। बड़ियों को इस तरह हमने तोड़ लिया है। अब इसे हम धूप में डाल देंगे, ये 2 से 3 दिन तक धूप में रहेगी तभी सूखेगी अच्छी तरह। देखिए सूखने के बाद ये कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब मैं इसे आपको फ्राई करके दिखलाती हूँ कि इसको कैसे फ्राई करना है। गैस पे मैंने, देखिए मैंने जो तिलौरी बनाई थी सूख के इस तरह से हो जाएंगी। अब गैस में मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया है, इसमें से बिल्कुल धुआं उठने लगा है। जैसे धुआं उठने को होगा गैस को हम बंद कर देंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे।
पेपर नैपकिन निकालेंगे प्लेट पर, कैसी हुई तिलौरी को उसे निकालेंगे ताकि अतिरिक्त तेल सूख जाए। इसे इस तरह से चलाते हुए हमको फ्राई करना है। फ्राई हो गए, इसको फ्राई करने में केवल एक मिनट का टाइम लगता है। बहुत ज़्यादा फ्राई कर देने का ये लाल ही जाएंगे और इसमें हल्का सा कड़वापन आ जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना रहता। तेल इसमें सोख लिया है, इसे हम प्लेट में निकाल देते हैं। देखिए तिलौरी फ्राई होने के बाद इस तरह से बनकर तैयार होंगी। ये तिलौरी खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत क्रंची भी होती हैं। आप इसे बनाइए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।